हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेकिन दे, तुमने फोन पे ये क्यों कहा था कि एसीपी साहब ने तुम पे गोली चलाई? क्योंकि वो शायद मुझे ऐसा ही कुछ याद आ रहा है। मगर दया, अभिजीत की गन से गोली क्यों चलाऊंगा मैं? सर, ये चाल है डीसीपी चित्रोली की चाल, एक तीर से दो शिकार। सर हाँ अभिजीत, पहले हम तीनों खत्म हो जाएंगे और फिर वो अंडरकवर कॉप्स को बलि चढ़ाकर। क्या हुआ था उसका बता। सर उस रात मैं शूट अभिजीत, अभिजीत सर नहीं, शूट अभिजीत, गोली मत चलाना, नहीं नहीं, शूट अभिजीत, नहीं गोली मत चलाना, हम अंडरकवर एजेंट हैं सर, शूट अभिजीत, शूट, नो 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 नो। कल्लू साहब इधर आओ, उठाओ इस देह को, गाड़ी में डालो जल्दी। अरे टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, इधर आओ, चले आओ चले आओ चले आओ, कमान कमान, इधर इधर इधर, लाओ 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 लाओ। सर मैंने देह के पीछे भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन लेकिन ड्रग्स का असर इतना ज्यादा था कि मैं वही बेहोश हो गया। और जब अगले दिन मुझे होश आया तो हाँ हाँ कुछ कुछ अब मुझे भी याद आ रहा है। उस रात या दया उठो, कम ऑन दया, गेट अप, उठो दया, उठो उठो, हाँ उठो। उठो दया, अपनी गन उठाओ दया। दया मेरी बात सुनो, उठो। उठ जा, उठो, तुम्हें मारना है उसे। मारना है तुम्हें उसे, अपनी गन उठाओ, उठाओ गन, गन उठाओ अपनी, और चलाओ गोली उस पर, चलाओ गोली। मैं अंडर कवर हूं दया सर, नहीं ऐसा मत कीजिए, जैसा नहीं, सर सर चलाओ गोली, सर सर नो, दया गोली चलाओ उस पर, चलाओ गोली दया, दया शूट इट, सर नो। अब समझ में आ रहा है कि जब मैं वहां पर पहुंचा तब सीआईडी ऑफिसर को गोली मार दी। भाग 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 दया,
दया, अभिजीत, दया, अभिजीत, दया, अभिजीत। My God. किसी ने तुम दोनों को ड्रग से बेहोश किया और तुम्हारी गन से हमारे अंडरकवर कॉप्स भीकू और कल्लू दोनों को मार दिया। देख गोली मत चलाना। हम अंडरकवर एजेंट है सर। शूट अभिजीत, शूट। नो 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 सर नो। दया गोली चलाओ, उस पर चलाओ गोली। दया दया शूट इट सर। नो मगर सर आप ही की आवाज शूट दया शूट मेरे मेरे कान में गूंज रही थी सर। वो कैसे? जरूर टेप की थी मेरी आवाज दया, टेप की थी आवाज। मगर सर आपने ये बात छुपाई क्यों कि आप वहां पे थे, और आपने सारंगा साहब को बताया क्यों नहीं कि मैंने दया को गोली नहीं मारी सर? क्योंकि अभिजीत मुझे पता लगाना था कि है कौन वो गद्दार जिसने ये सारा खेल रचा है। वो था डीसीपी चित्रोले। चित्रोले बहुत जल्द शहर से सीआईडी का वो हाथ हट जाएगा जिसने इतने सालों में यहां गुनाह पनपने नहीं दिया, और उसके बाद जन्म लेगी पाप की ऐसी दुनिया जिसका सबसे बड़ा पापी होऊंगा मैं। बॉस आपका फोन है। हेलो, हाँ बोलो। क्या एसीपी अभिजीत और दया तीनों अंदर चले गए? इतनी मीठी खबर जैसे कारों में किसी ने ढेर सारी जलेबी की चाशनी डाल दी हो। वाह वाह वाह। जब से होश संभाला है इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब अगले एक घंटे में एक मीठी खबर और सुना था, इन तीनों की मौत की खबर। मौत? गोली चलने की आवाज।
अरे बॉस ये क्या कर दिया आपने? अगर जहरीली गैस नहीं डालते तो ये तीनों में मार डालते। चल तू ताला खोल। Thank you.
ठीक हो? हाँ सर। Yeah? Okay, sir. आप ठीक है सर? मैं भी ठीक हूँ। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मास्क फेंके किसने हमारे लिए? ये धुआं मास्क यहां से फेंका है किसी ने सर? तो कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है, हमें बचाना चाहता है। और वो जानता था कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए उसने वो मास्क भेजे। सर वो उस खिड़की से फेंका था उसने वो मास्क, वहां पे जो खिड़की थी सर वहां पे। ये सर यहां से फेंका गया था मास्क। अभिजीत इस तरफ चेक करो अच्छी तरह से, मैं यहां जाता हूं। अभिजीत ये अरे आप जानते हैं इसे? हाँ मुकेश, हमारा अंडरकवर कॉप। मैं ही आपका ब्राइट ऑफिसर मुकेश। वादा किया था मैं इससे कि इस पर एक खरोंच तक नहीं आएगी, इस बार भी मैं हार गया अभिजीत, नहीं बचा पाया मैं अपने ऑफिसर को। इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें सर। हाँ अभिजीत नहीं छोड़ेंगे हम। अरे डोरा आ गया, मिठाई के डिब्बे कहाँ हैं? मिठाई बॉस? अरे भाई काजू कतली, तू तो जानता है ना कि काजू कतली मेरी फेवरेट मिठाई है। वो भूल गया, नहीं लाया है? चल कोई बात नहीं। अरे मैं जानता हूँ तू भी उतावला हो रहा होगा मुझे गुड न्यूज सुनाने के लिए, पर गुड न्यूज नहीं मिली बॉस। क्या? मैंने उन्हें फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कहीं का तो फिर यहाँ क्यों चला आया तू समय बर्बाद करने के लिए? वहां जाके देखना चाहिए था ना क्या चक्कर है। को तो मार दिया। बहुत खतरनाक है तीनों लोग, दिमाग ताकत और फुर्ती सब कुछ है इन तीनों के पास, इसलिए जरा से भी गलती नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ ढूंढो उन्हें और देखते ही गोली से उड़ा देना। इसको भी मार दिया। ये गया बॉस।
ये भी मर गया। मेरे काजू कतली खाने का वक्त आया है नहीं? हाँ बॉस आ गया। क्या? यानी कि एसीपी अभिजीत और दया तीनों खत्म मर गए? यस बॉस। अरे वाह 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 डोरा, क्या खबर सुनाई तूने। अब एक काम कर, इस इलाके की जितनी भी मिठाई की दुकान है और उनमें जितनी भी काजू कतली है सब खरीद ले। ओके बॉस। आज पूरे शहर में मिठाइयां बांटूंगा, समझा? ठीक है बॉस। क्या खबर सुनाई, तीनों खत्म। आप जश्न मनाऊंगा मैं। कौन है? सामने क्यों नहीं आते? क्या हुआ मनु? कुछ देर पहले तो बब्बर शेर बने हुए थे, अभी अचानक गीदड़ की एक्टिंग क्यों करने लगे? गलती हो गई दया भाई, गलती हो गई। छोटा भाई समझ के माफ कर दो। दया, मुझे मेरे को माफ नहीं, साफ करता है। क्या करता है? समझाइए इनको। वैसे ही मेरी बहुत धुलाई हो चुकी है, शरीफ आदमी बन गया हूँ, शरीफ, एकदम शरीफ इंसान। तो फिर अपनी शराफत का सबूत दो। क्या सबूत चाहिए? बोलिए। पता चाहिए उस आदमी का जिसने ये सारा खेल रचा है। कुमार साहब का पता? मैं सच कहता हूँ, वाकई मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, नहीं पता। ये तो कह रहा था सर कि शरीफ आदमी बन गया है, यहाँ तो शराफत की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही। इंजेक्शन लगाओ इसे। इंजेक्शन? इंजेक्शन ये शराफत का इंजेक्शन है। बुराई की दुनिया छोड़ के जो आदमी शरीफ आदमी बनना चाहता है उसको ये इंजेक्शन लेना पड़ता है। अच्छा, फिर क्या होता है इससे? कुछ नहीं, इस इंजेक्शन के लगते ही तुम्हारे शरीर के पुर्जे में इतना दर्द होगा कि तुम दर्द के मारे कांपने लगोगे, और तुम्हें तुम्हारे जिंदगी के सारे पाप याद आ जाएंगे और तुम पश्चाताप के आंसू बहाओगे। हर 15 मिनट के बाद तुम्हारे हाथ पैर ऐसे जलेंगे जैसे तुम जलते हुए चूल्हे पे बैठ गए। नहीं 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 नहीं, देखिए इससे क्या जरूरत है? वैसे ही मेरी आंखों से पश्चाताप की गंगा जमुना बह रही है, इसकी क्या जरूरत है। क्या करें अभिजीत? इंजेक्शन कैंसिल करें? नहीं सर, मैं तो कहता हूँ दे ही देते हैं। नहीं देते। क्योंकि तुम्हें अभी तक याद नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बॉस का एड्रेस क्या है, इसलिए क्योंकि पश्चाताप यहाँ से दिल से होना चाहिए। दिल से महसूस हो गया, बहुत हो गया, महसूस हो गया, दिल से महसूस हो गया। फिर बताओ कहाँ मिलेंगे तुम्हारे कुमार साहब? कुमार साहब का प्लान था सीआईडी को खत्म करने के बाद अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में जश्न मनाएंगे। कुमार साहब सीआईडी को खत्म करने के बाद पनवेल वाले फार्म हाउस पर जश्न मनाएंगे, हैं? तो चलो हम भी वही फार्म हाउस पर पहुंच जाएंगे कुमार साहब की खुशियां दुगनी करने के लिए। अभिजीत, दया, कोई भी गोली नहीं चलाएगा, हमें कुमार को जिंदा पकड़ना है, जिंदा, क्योंकि वही एक जानता है कि बिकू और कल्लू को तुम दोनों ने नहीं बल्कि उसके गुंडों ने ही मारा है। चलो अपने अपनी गन गाड़ी में रख दो, चलो लो। सर, हम लोग गोली नहीं चलाएंगे,
गन तो रख सकते हैं हमारे पास। मैंने कहा ना दया, गन लाओ। अभिजीत, और दया तुम्हारी भी। चल लेट्स गो। सीआईडी का गाना तो इन लोगों ने सुन लिया दुष्यंत, अब थोड़ा एक्शन दिखाते हैं। तू तो कहता था ये लोग सब खत्म हो गए। मैंने तो इन सब की लाशें देखी थी वहां पे। अगर सीआईडी वालों को ऊपर पहुंचाना इतना आसान होता तो तुमसे पहले जितने जिंगूरों ने कोशिश की वो सब कामयाब हो जाते हैं। अरे मैं तो तुम लोगों को बड़ा शरीफ समझता था, बड़े दगाबाज दिख रहे तुम लोग। ठीक कहा तुमने कुमार जी, बिल्कुल ठीक कहा है ना, क्योंकि मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि एक सीआईडी ऑफिसर कभी तगाबाज हो सकता है, कभी गद्दार हो सकता है। ये देख क्या रहे हो तुम लोग, इसीलिए खिला पिला के मोटा किया था तुम लोगों को। चलो ढूंढ लो सबको। भाई साहब, गोलियां चलाने का कोई फायदा नहीं है, गोलियां मेरे पास है। और तू गन मत ढूंढ, ये देख। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई चालाकी नहीं, वरना इस बार एसीपी सर सच में शहीद हो जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो हेमंत, बहुत बड़ी गलती। सॉरी सर, अपने इस ऑफिसर को बाहर तक नहीं छोड़ेंगे। चलिए बाहर तक छोड़ूंगा जरूर, पर बचोगे नहीं। इंतजार तो सरकारी गाड़ी कर रही है, चलो। तेरे पास गन कैसे रह गई?
इतना विश्वास किया था तुम पर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर तुमने सर, क्या करता सर मैं? ये लोग मुझे मार डालते हैं। तुम मर जाते, मर जाते, कलंक भरी जिंदगी से बच तो जाते, घिन आती है तुम बस। अरे कुमार जी, कहाँ भाग रहे मैदान छोड़ के? अब थक नहीं जाते? देखो तुम्हें मालूम नहीं है किससे पंगा ले रहे हो? कुमार, 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 कुमार नाम है मेरा। एक ही को मौत की नींद सुना दूंगा। हटो, हटो मेरे सामने से। अच्छा? देखो, तू रुक, खबरदार, खबरदार मेरे पास है, मैं डालूंगा। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। हाँ? पूरी सीआईडी टीम की तरफ से और उन तमाम शहीदों की तरफ से जो इस देश के लिए शहीद हो गए। कुमार जी, बहुत घुमा लिया तुमने हमें, हैं? लंगूर के तुम। कुमार जी, तुम्हें क्या लगा ये सारा खेल तुम खेल रहे थे हमारे साथ, हैं? सीआईडी का खेल था ये, तुम जैसे चूहे को बिल से निकालने के लिए। अब ये सुनकर तो तुम्हें बहुत मजा आएगा कुमार। तुमने जो पैसे दिए थे ना, करोड़ों रुपए चित्रोले को अंडरकवर कॉप्स की लिस्ट के लिए, वो लिस्ट नकली थी, वो नाम नकली थे। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, नए प्लान्स बनाते रहना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। ले जाओ इसे। हमने कुमार और उसके पूरे गैंग को पकड़ ही लिया। हाँ दिया, लेकिन हम उन ऑफिसर्स को भूल नहीं सकते ना, जिन्होंने हमारे इस मिशन के लिए अपनी जान कुर्बान की। हैट्स ऑफ टू देम। सर, आज इतने दिनों बाद सब लोग ब्यूरो में हैं, इकट्ठे बिना किसी टेंशन के, तो सर पार्टी तो बनती है। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे पार्टी तो बनती है, लेकिन क्या आज ही करनी है पार्टी? हाँ सर, आज ही पार्टी करते हैं। अच्छा, चलो आज ही करते हैं पार्टी, लेकिन पार्टी देने वाला कौन है? ये दुष्यंत है ना सर। ये नया, ये देगा पार्टी क्यों? सब लोग हंस रहे, मैं भी हंसता हूं। क्या हुआ, सारे फूल मुरझा गए? हाँ सर, आपके रहते हुए यहाँ किसी के चेहरे पे हंसी आ कैसे सकती है? किसी को रुलाना है तो ही नहीं बुलाओ सर। वो नकली लिस्ट देकर आपने जो पैसे लिए थे, वो पैसे कहां गए? ओ, अब समझा तुम लोग नाराज क्यों हो रहे हो? तुम लोगों ने समझा कि चित्रोले ने पैसे? हाँ, है? वो पैसे मैंने ट्रेजरी में जमा करा दिए, पुलिस वेलफेयर फंड में काम आएंगे। क्या भरोसा सर? है? क्या बोला? मैंने सुन लिया है, समझे? जाओ, नहीं आना तुम्हारा पार्टी। अरे नहीं सर, प्लीज रुकिए ना आप सर। हाड़ में गई पार्टी। बुलाया किसने था?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.